हेलो नमस्ते एवरीवन, दिस इज स्नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। एंड आज है बुद्ध पूर्णिमा, तो आप सबको बुद्ध पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सबके जीवन में भी भगवान शांति और समृद्धि ले आए। सो वैसे तो ये व्लॉग नेक्स्ट डे अपलोड होगा, तो बुद्ध पूर्णिमा खत्म हो चुकी होगी, पर ये मैंने शूट उसी दिन किया था, इसलिए आप सबके लिए। सो आज मैं ब्रेकफास्ट करके जल्दी उठ गई थी, थोड़ा सा नहा धो के रेडी हो गई हूँ, और ये वाइट मैंने इसलिए पहना है क्योंकि मुझे अभी पूजा करना है। मैंने हेयर वॉश किया था तो हल्का सा मैंने सीरम लगा लिया था। मैं हेयर ड्रायर बहुत कम यूज़ करती हूँ, बहुत इमरजेंसी होता है, वरना मैं नेचुरली ड्राई होने देती हूँ। सो मैं जा रही हूँ अभी फ्लावर्स लेने नीचे सोसाइटी में पूजा के लिए थोड़े से, बिकॉज बहुत तेज़ धूप है, आप देख के समझ सकते हो, इसलिए मुझे मार्केट जाने में प्रॉब्लम होगी थोड़ी सी इसलिए। और आशीष की भी शिफ्ट चल रही है तो ही ऑल्सो कांट गो, मैंने सोचा नीचे से ही थोड़े से ले लेते हैं। और वैसे भी मैं कभी तोड़ती नहीं हूँ, दिस द फर्स्ट टाइम, मैंने सुना है यहीं से थोड़े से ले लेते हैं। तो ये जो जैस्मिन के फ्लावर्स होते हैं ना मोगरे के, शाम को तो बहुत ज़्यादा दिखते हैं, अभी मुझे मिल ही नहीं रहते, बट थोड़े बहुत जो वे फिर मिले मुझे, तो वो सब मैं आप देखिए यहाँ पे थोड़े थोड़े मिल रहे हैं मुझे, एक दो, तो मैं वो फिर थोड़े से ले लिए। और उस साइड जाना था बट वो बहुत दूर हो जाता है, बहुत दूर, तो क्या फिर उधर कौन जाता है, इसलिए फिर मैंने जो मिला वो ले लिया। और देखिए जो फ्लावर्स थे और जो स्वीट थी मेरे पास, वो यहाँ पे मैं आ गई हूँ, कैंडल जला दी है, और ये जो फ्लावर्स हैं मैं सारे भगवान पे चढ़ा दूँगी। और यहाँ पूजा मैंने कर ली है अच्छे से, और आप सबके लिए भी मैंने बहुत सारी विशेस मांगी है, सर्वे भवंतु सुखानी। सो यहाँ पूजा करके मैंने ड्रेस चेंज कर ली थी और आ गई मैं अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, किचन में, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर लाइफ। तो मैंने यहाँ सोचा था लंच में मैं मसाला राइस बनाऊंगी, पहले मैंने सोचा था पुलाव बनाऊंगी पर उतनी सारी वेजिटेबल्स नहीं थी, फिर मैंने मसाला राइस और कढ़ी बनाने की सोची है। सो मैंने उसके पहले ना, वैसे आपको पता होगा जो पूजा करते हैं बुद्ध पूर्णिमा में खीर का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस रहता है, तो मैंने पहले डिसाइड नहीं किया था बनाने का, क्योंकि यहाँ हम दो ही लोग रहते हैं और ना मेरे पास उतना ज़्यादा टाइम भी नहीं था, बट पता नहीं फिर नहा के मेरी इच्छा हुई, तो आप जो कुकर देख रहे हो वो मैंने खीर के लिए वहाँ उसमें खीर चढ़ा दी है। और यहाँ पे मैंने बड़ा वाला कुकर निकाल लिया है मसाला राइस बनाने के लिए, और अब ये छोटे छोटे बॉटल्स हैं, मुझे जो भी खड़े मसाले चाहिए वो सारे मैं निकाल रही हूँ। वेल यार, मैं बोलना ही भूल गई हूँ, चैनल में फर्स्ट टाइम आया हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैंने क्या क्या किया वो आपको पूरा पता चलेगा। आज ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही थी, वैसे ही ना नॉर्मल कुछ दिन से ऐसा ही चल रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है दिन में, बट जैसे जैसे शाम होने लगती है ना हवा तेज़ चलने लगती है। तो देखिए यहाँ मेरी खीर बन रही है, मैंने सिर्फ मिल्क डाला है इसमें, और इलायची का जो पाउडर होता है वो डाला है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह मैंने नहीं डाले। और देखिए बाहर धूप, और इसलिए मुझे आज आशीष ने कूलर लगा के दिया है यहाँ पे। सो खीर हमारी बन गई है, बाकी प्रिपरेशन भी चल रही है, तो सबसे पहले खीर जाके हम भगवान को चढ़ा देते हैं। सो यहाँ पे मैं आ गई हूँ वापस, और जो खीर है अब मैं रख दूँगी। अब जो कढ़ी की सारी प्रिपरेशन आप देख सकते हैं मैंने करके रख ली थी, मुझे बस तड़का लगाना था, तो कढ़ी में मैं लगा रही हूँ तड़का। तो मैंने ना ऑयल हीट कर लिया था, और मैं गार्लिक पिल करना भूल गई थी, तो मैंने फिर वापस ऑफ किया, और फिर ये पिल करके चिलीज काट के, और इसके बाद फिर वापस कढ़ी में तड़का लगा दिया। और देखिए ये हमारी मस्त सी जा रही है बनने कढ़ी, ये मैंने ना यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए शूट किया था। और ये देखिए बिना मैस के ना थोड़ा सा काम अधूरा ही होता है, तो कढ़ी मैं बना रही थी तो गिर गई थी। वेल लंच हो गया प्रिपेयर, और आप देख सकते हैं ये सिंपल सी यार बहुत स्पेशल थाली हमारी बन के तैयार हो गई है, जिसमें कढ़ी, खीर, पापड़ और मसाला राइस। आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। लंच करके उसके बाद फिर मैं वापस 3 बजे लॉग इन कर ली थी, और ये बीच में मैं ना पानी भर रही थी, जब से गर्मी स्टार्ट हुई है ना फ्रिज में बॉटल भर के रखने वाला टास्क लाइक जो पहले होता था ना, तो अभी भी वैसा ही लगता है। और ये देखिए 4:30 बजने आ गए, 4:27, और फिर भी बाहर माहौल ऐसा हो रहा है, धूप धूप, गर्म गर्म हवा आ रही है, तो मैंने अभी तो फिलहाल के लिए बंद कर दिया और पीछे कूलर लगा दिया। और यहाँ मैं फ़नी फेस बना के खुद को एंटरटेन कर रही हूँ, और आज बॉटल मैंने अपने साथ रखी है, बिकॉज ना मैं पानी नहीं पीती थी उठ उठ के, तो मैंने बॉटल आज टेबल पर ही रख दी।
और यहाँ ब्रेक हो गया है मेरा शाम का और मैंने विंडोज़ ओपन कर ली है। और भाई आप देखिए जो बच्चे मैं दिखाती हूँ खेलते वो अभी भी दिख रहे हैं वहाँ पे। सो ना मैंने सुबह कड़ी बनाते टाइम थोड़ा सा बटर मिल्क लगा बचा के रखा था प्लांट्स में डालने के लिए, बहुत अच्छा एज अ फर्टिलाइज़र एक्ट करता है। तो उसमें थोड़ा सा पानी मिला के फिर मिट्टी को थोड़ा ऊपर नीचे करके इससे मैंने जो भी बटर मिल्क था और वाटर का सोल्यूशन था उसे मैंने सारे पेड़ों में थोड़ा थोड़ा करके डाल दिया। ये सब होने के बाद थोड़ी देर में क्योंकि मैंने बताया ना शाम होते ही ठंडी हवा चलना स्टार्ट हो जाती है, देखिए बहुत तेज़ हवा चल रही थी तो मैं थोड़ी देर विंडो पे थी और मैंने चाय भी रख दिया था तब तक। तो फिर हमने चाय नाश्ता किया और एक्चुअली सुबह मैंने ब्रेकफास्ट में सैंडविच बनाया था तो वो सैंडविच का थोड़ा सा स्टफिंग बच गई थी तो मैंने सोचा अच्छा है हाई टी के लिए काम आएगा तो मैंने चाय के साथ साथ यहाँ पे फिर दो सैंडविच भी बना लिया। आप में से कौन कौन है जैसे चाय पीना मैंडेट होता है जस्ट लाइक मी, कुछ लोग होता है ना वो सुबह की चाय पीते हैं ना शाम की चाय पीते हैं, बट मुझे तो चाहिए ही। तो यहाँ सैंडविच बनके तैयार हो गया और चाय भी हमारी बनके रेडी हो गई है। देन वापस भाई ब्रेक तो ख़त्म हो गया, ज़्यादा देर का होता नहीं है तो वापस काम में बैठ गए। एंड लुक एट आज अभी रात हो रही है बट फिर भी ना मून आप देखिए आज पूर्णिमा है, बुद्ध पूर्णिमा है तो मून इज़ लाइक फुल मून नाइट है आज और बाहर भी अच्छी खासी आज रोशनी है कंपेयर टू बाकी सारे दिनों में। सो आज मैंने टाइम पे लॉग आउट कर दिया था, 12 बज गए हैं और अब मैं जा रही हूँ सोने भी क्योंकि आज मुझे ना थोड़ा थका थका लग रहा था और वीडियो एडिटिंग मैंने थोड़ी सी की थी और फिर मैंने सोचा सुबह उठ के कर लूँगी। सो दिस वॉज माई डे, आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। आई विल सी यू ऑन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय बाय।